नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कोरोना महामारी से देश दुनिया में चल रहे संक्रमण की खबर लगातार चारों तरफ से मिल रही है। ऐसे में कल ही प्रदेश में ऑक्सीजन टैंक लगाई गई है, जिससे प्रदेश में एक अच्छी हवा का संचार हुआ है और सभी इस पहल की सराहना कर रहे हैं। ऐसे में आज दादर नगर हवेली के सांसद स्वर्गीय मोहन डेलकर के पुत्र अभिनव डेलकर पहुंचे दमन के कच्ची गांव स्थित वित्त सचिव के कार्यालय पर, जहां उन्होंने मुलाकात की वित्त सचिव एवं कोरोना रोकथाम के सीनियर अधिकारी गौरव सिंह रजावत से। सुनिए मुलाकात के बाद अभिनव डेलकर ने क्या कहा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आसपास की खबरों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। जिस तरह से रजावत साहब से सबको जो जिम्मेदारी दी है, जो कोविड सिचुएशन में जो नगर हवेली की जिम्मेदारी दी है, वही मैटर में हम बात करने आए थे रजावत साहब से, कि जिस तरह से परिस्थिति सिचुएशंस ख़राब हो रही थी, लेकिन अभी जो कंट्रोल में आ रहे हैं उससे और कंट्रोल में आए, और आगे भी इस तरह से प्लानिंग हो कि लोगों को तकलीफ ना हो और जल्द से जल्द बीमारी के खिलाफ लड़ाई करे और ये ख़त्म हो हमारे प्रदेश है, वही चीज़ों में हमने चर्चा की है। सर, हाल ही में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी मात्रा में किल्लत आ रही थी और प्रशासन ने अभी ऑक्सीजन का प्लांट वहाँ पे स्थापित किया है, तो इससे आपको बहुत बड़ी राहत मिली होगी दादरा नगर हवेली से। हाँ जी, रजावत साहब के अंडर में काफ़ी चीज़ें डेवलप हुई है, काफ़ी, और एक दो चीज़ों में जो मतलब जो पीछे पड़ रहे हैं, थोड़ा लैग कर रहे हैं, लेकिन वही चीज़ें हम लोग बात करने आए थे, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे वर्ग के लोग का जो इश्यूज़ छोटी छोटी बात पे है, वही इश्यूज़ पे बात करने आए थे और जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन लाए, रिजॉल्व हो जाए, वही हमें आशा करते हैं। सर, दादर नगर हवेली सिलवासा की जनता से आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे इस महामारी? ये हमने पहले से ही कहा है, जो कोविड के गाइडलाइंस है हमें फॉलो करने हैं। ये लड़ाई है, ये लंबी लड़ाई है, कोविड की लड़ाई है, ये आसान नहीं है, काफ़ी जाने भी गई है, और इसे जल्द से जल्द हम छुटकारा पाए, हमारा प्रदेश कोविड फ्री हो, यही आशा करता हूँ कि लोगों इसके फॉलो करें और ये कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करें। सर, आज वर्ल्ड प्रेस डे है, तो आप वर्ल्ड प्रेस के जितने फ्रंट वॉरियर्स हैं, मीडिया कर्मी हैं, आप उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं मीडिया को भी पहली बात बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनको भी अभिनंदन देना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने भी जो लड़ाई की है हर समय में, सिर्फ कोविड नहीं लेकिन हर चीज़ों में जो आगे आई है और लोगों को जो मैसेज दिया है, उनके लिए मैं सबको अभिनंदन देना चाहता हूँ।